आम जनता के बीच अपनी खराब छवि के लिए जाने वाली हरियाणा पुलिस ने अपनी छवि में सुधार करने का फैसला किया है। इस कड़ी में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक बलजीत सिंह संधु ने मीडिया से बातचीत करते हुए अब हरियाणा पुलिस के सभी जवान सामान्य नागरिकों को श्रीमान कहकर संबोधित किया। साथ ही कहा कि ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये लागू भी जरूर होगा। आपको बता दें, पहले चरण में ऑपरेशन श्रीमान 31 जनवरी तक चलाया जाएगा और इसे आगे भी रिव्यू किया जाएगा। डीजीपी ने बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। कि जनरली ये शिकायत रहती है कि जो नीचे के थाना स्तर पे या चौकी स्तर पे जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका व्यवहार पब्लिक के साथ ठीक नहीं है। तो इस बात पे मुख्यमंत्री जी के ये आदेश भी थे और उनके सुझाव भी है कि हमें 2019 में पब्लिक के साथ अपने जो संबंध हैं उसको मधुर बनाना चाहिए। उसके लिए एक ऑपरेशन श्रीमान शुरू किया गया है, जिसमें सभी जिलों के एसपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, रेंज आईजी को और जितने भी हमारे दफ्तर हैं उनको ये हिदायत की गई है कि वो जो भी पब्लिक का नुमाइंदा कोई कंप्लेंट लेके या किसी भी सेवा के लिए थाने या चौकी में आता है या दफ्तर में आता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। ये ऑपरेशन पहले एक महीने के लिए चलाया जा रहा है और इसको महीने के अंत में फिर रिव्यू किया जाएगा और इसमें जो कमियाँ होंगी या कोई जो भी इसकी अच्छाइयाँ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर आगे भी इसको रखा जाएगा और जो पुलिस की छवि है उसको सुधारने की तरफ पूरी कोशिश की जाएगी।